हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मेथी का पराठा और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, जो मेथी के पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है खाने में, और ये झटपट से बन करके तैयार भी हो जाती है। तो देर किस बात की है, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मेथी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 4 कटोरी गेहूँ का आटा। अब उसमें हम मिला देंगे आधा कटोरी बेसन। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन ले लेंगे, उसे हाथों पे क्रश करके इसमें हम मिला देंगे। अजवाइन डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब इसमें हम कलर के लिए मिला लेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम नमक मिला देंगे 1 चम्मच। उसके बाद इसमें हम मिला लेंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। अब हम ले लेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप ले लीजिए। अब इसमें मैंने लिया है 1 गड्डी मेथी पत्ती, जिसे मैंने धो करके साफ़ करके काट लिया है, और इसका पानी निकलने तक इसे अच्छे से सुखा दिया है। पानी निकलने के बाद हम जब इसका पराठा में मिक्स करेंगे, जिससे कि पराठे बिल्कुल कड़वे नहीं लगते हैं। अगर हमने इसे धो करके तुरंत मिक्स कर लिया तो थोड़े से पराठे कड़वे लगते हैं। अब पानी डाल करके इसका एकदम अच्छे से सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। जब डो रेडी हो जाए तो ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा देंगे, जिससे कि डो अच्छे से सॉफ्ट बना रहे, और इसे हम सेट करने के लिए रख देंगे 10 से 20 मिनट तक, जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाए और पराठे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने। इसे हम एक साफ़ कपड़े से अब ढक करके रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम टमाटर की चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया आधा किलो टमाटर। इसे अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है, और इसे अब हम मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, टमाटर सारे के सारे अच्छे से कट हो चुके हैं। अब हम ले लेंगे एक पैन। पैन में हम ले लेंगे 2 चम्मच सरसों का ऑयल। अगर आप सरसों का ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो जो खाते वो ले सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन ले लेंगे, 1/4 चम्मच हम ले लेंगे सौंफ, 1/4 चम्मच हम लेंगे इसमें मेथी दाना। अब इसमें हम ले लेंगे काला जीरा यानी कि कलौंजी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से सूखे लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता। टमाटर की चटनी में 5 फ़ोरन डालने से चटनी का स्वाद बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और उसका एक फ्लेवर सा निकल करके आता है। जब ये अच्छे से चटक जाए तब इसमें हम दरदरा कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन को भी हम हल्का सा भून लेंगे। जब लहसुन हल्का सा भून जाए तब इसमें हम मिला देंगे टमाटर, जो हमने कट करके रखा हुआ है। अगर आप टमाटर की चटनी में लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम मिला देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिला लीजिए। उसके बाद इसे कलर देने के लिए हम मिलाएंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे हींग। इन सबको हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद टमाटर अच्छे से गल जाएंगे फटाफट से। अब इसे ढक करके हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे। देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे हल्का हल्का मैश कर देंगे। इसे हम पूरी तरीके से मैश नहीं करेंगे, इसमें थोड़े से चंक्स रहने चाहिए, जिससे खाने में बहुत टेस्टी लगे। अब इसमें हम मिला देंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार मिला सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें मिला देंगे गुड़। चीनी और गुड़ डालने से चटनी का टेस्ट 4 गुना बढ़ कर के आता है। लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च डालने से इसमें एक तीखापन आता है, और इसका स्वाद कुछ अलग सा ही आता है खाने में। आप एक बार ज़रूर डाल करके ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसे मिक्स करके हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट बाद फिर हम ढक्कन हटा लेंगे। ये देखिए, टमाटर की चटनी का कितना सुंदर सा कलर आ चुका है, और टमाटर की चटनी एकदम अच्छे से पक चुकी है। देखिए, अब गैस फ्लेम कर देंगे बंद और इसे कर देते हैं साइड। अब हम पराठों की तरफ चलते हैं, आटा देख लेते हैं। देखिए, आटा एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब उसके बाद हम इसमें से एक पेड़ा कट कर लेंगे। पेड़ा कट करने के बाद इस पर हम लगा देंगे सूखा आटा।
उसके बाद इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। इसे हमें रोटी के साइज़ जितना बेलना है, देखिए। उसके बाद इस पे हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इस पे हम लगा देंगे थोड़ा सा सूखा आटा। इसे हम त्रिकोण पराठा बनाएंगे। अब ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा, जिससे कि आपस में चिपके नहीं और अंदर से एकदम सॉफ्ट बना रहे। देखिए, ये हमारा पहला पराठा त्रिकोण वाला। अब इस पे हम लगाएंगे सूखा आटा। सूखा आटा लगाने के बाद इसे हम अच्छे से रोल कर लेंगे। आपको जितना बड़ा पराठा पसंद है, आप उतना बड़ा इसे बना सकते हैं। अब मैंने एक साइड तवा गरम करने के लिए रख दिया था। अब पराठे को हम उस पर डाल देंगे। उसके बाद 2-3 मिनट बाद इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद ऊपर से हम इस पर ऑयल लगा देंगे। अगर आप ऑयल खाना पसंद करते तो ऑयल लगा दीजिए, वरना आप इस पर घी या बटर भी लगा सकते हैं। अब इसे हम दूसरी साइड से भी पलट लेंगे और दूसरी साइड भी ऑयल लगा देंगे। और इसी तरीके से इसे हम पलटते पलटते हुए सुनहरा सा होने तक सेक लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे सेकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे, जिससे कि ये खस्ता बने और खाने में टेस्टी लगे। ये देखिए, हमारा पहला पराठा रेडी हो चुका है। अब हम बनाते हैं दूसरा पराठा। दूसरा पराठा हम बनाएंगे चौकोन। उस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और सूखा आटा। उसके बाद इसे हम एक साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और थोड़ा सा छिटक देंगे इस पर सूखा हुआ आटा। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब इसे हम हल्का सा प्रेस करते हुए दबा देंगे। अब उसके बाद इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसे हम अच्छे से रोल कर लेंगे। इसे हम अच्छे से घुमा करके इस तरीके से रोल कर लेंगे। देखिए, चौकोन शेप में हमारा दूसरा पराठा बन करके रेडी हो चुका है। अब इसे हम सेक लेते हैं। इसे भी हम ऑयल या बटर लगा करके सेक सकते हैं, जो आपको पसंद है। देखिए, इसे भी हम फटाफट से दोनों तरफ से ऑयल लगा करके सेक लेते हैं। देखिए, इसकी परतें अभी से ही खुल रही हैं। सूखा आटा और ऑयल लगाने की वजह से देखिए आराम से अंदर से सॉफ्ट बनती है और परतें आराम से खुल जाती हैं। हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है बन करके। अब हम बनाएंगे तीसरा पराठा। ये देखिए, इस तरीके से हम लोई ले लेंगे और उसमें दो हिस्सा कर लेंगे इस तरीके से। अब इस पे हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सूखा आटा। इस पराठे को हमारे यहाँ दोहती पराठा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये देखिए, अब इसे हम अच्छे से रोल कर लेंगे और सूखा आटा लगा करके इसे बेल लेंगे। इस तरीके के दोहती पराठे मेरे पापा को बहुत पसंद है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये पराठा, इसीलिए ये पराठा मैं उनके लिए बना रही हूँ। ये देखिए, हमारा तीसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। अभी इसे भी हम फटाफट से सेक लेंगे अलटते पलटते हुए और इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इसी तरीके से बचे हुए बाकी के पराठे को हम बना करके रेडी कर लेंगे। ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है, एकदम सॉफ्ट बन करके रेडी होता है। आप इसे अब दिन भर भी रखेंगे तो भी ये कड़क नहीं होता और वैसे का वैसे ही एकदम सॉफ्ट बना रहता है। हमारा पराठा रेडी हो चुका है। अब हम फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेट में मैंने ले लिया टमाटर की चटनी, थोड़ी सी दही और अचार। आप इसे आराम से दही के साथ या फिर चटनी के साथ या फिर अचार के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। एक एक परतें आराम से खुली हुई है इसकी और ये देखिए मुट्ठी में समा जा रहा है, यानी ये कितने सॉफ्ट बन करके रेडी हुए हैं। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी भी परतें आराम से खुली हैं। सूखा आटा और ऑयल लगाने की वजह से देखिए इतने आराम से खुल जाती हैं परतें इसकी। और इसे आप जब भी गूंथ करके रखें तब इसे 10 से 20 मिनट तक सेट होने दें, जिससे कि एकदम सॉफ्ट बनते हैं। आपको ये मेथी के पराठे कैसे लगे, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।